सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद भारत आजाद हुआ, एक नया जोश, उमंग और एक नए चेहरे के साथ, जो कि अब पूरी तरह से यहाँ के लोगों का है, लोकतांत्रिक है, और उसी लोकतंत्र का ग्रंथ हमारा संविधान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष, स्वागत करता हूँ आपका ऑल इन वन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के चेहरे के बारे में, यानी कि प्रीएम्बल, द फेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसका कुछ लक्ष्य है, एक उद्देश्य है, जो कि लोगों के भलाई के लिए निहित है, और इस पूरे उद्देश्य को परिभाषित करता संविधान का प्रीएम्बल। तो आइए जानते हैं क्या कहता है प्रीएम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। यहाँ किसी धर्म या जाति विशेष की बात नहीं की गई, बल्कि पूरे देशवासियों की बात की गई। हम एक साथ मिलकर भारत को बनाते हैं। एक सॉवरेन, मतलब जिसे अपने कानून बनाने, फैसले लेने का अधिकार स्वयं है, बिना किसी दूसरे देश के इंटरफेरेंस के। एक सोशलिस्ट, मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप से एक समान, जहां किसी भेदभाव की इजाजत नहीं है। सेक्युलर, मतलब धर्म निरपेक्ष, जो सभी धर्मों को समान दर्जा देगा, सभी धर्मों की रक्षा करेगा, प्रोत्साहित करेगा। डेमोक्रेटिक, मतलब लोकतांत्रिक, एक ऐसा देश जो लोगों से हो, लोगों का हो और लोगों के लिए हो, जहां जनता ही सर्वोच्च हो। रिपब्लिक, मतलब गणतंत्र, जहां देश का प्रमुख चुना जाएगा, ना कि वो कोई पारंपरिक राजा होगा। और हम सुरक्षा करेंगे अपने नागरिकों की न्याय के मामले में, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक या फिर राजनीतिक हो। आजादी के मामले में, चाहे वो बोलना, सोचना, विश्वास रखना या मानना हो। समानता के मामले में, जहां सभी एक समान हो, जो बड़ा या छोटा, गरीबी या अमीरी, पुरुष या महिला के आधार पर ना हो। फ्रैटर्निटी के मामले में, जहां लोगों के गौरव की रक्षा हो, देश की एकता और अखंडता की रक्षा हो। हमारे संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को यह संविधान हम भारत के लोग अपने आप को प्रदान करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।